आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंगल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल। अगर हम ये वाला एंगल ले तो इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ अ सर्कल पे है, तो इसलिए इस एंगल को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल। इसी तरीके से ये क्या हो गया, सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक कॉर्ड है, यहाँ पे भी एक कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड्स क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो एंगल है वो क्या है, सर्कल के इंटीरियर में है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल। इसी तरीके से ये एंगल क्या हो गया, इंस्क्राइब्ड एंगल। अब अगर इंस्क्राइब्ड एंगल 50 डिग्रीज है तो सेंट्रल एंगल क्या होगा, उसका डबल, मीन्स 100 डिग्रीज। और यही अगर हमें, अगर सेंट्रल एंगल गिवन है 60 डिग्रीज, तो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होगा, उसका हाफ, 60 डिग्रीज का हाफ कितना हो गया, 30 डिग्रीज। सो रिलेशनशिप क्या है सेंट्रल एंगल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल की, सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल।